दुनिया के 5 ऐसे शहर जहां पर प्रोस्टिट्यूशन और शारीरिक संबंध आप खुलेआम बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया का 5 ऐसा खूबसूरत शहर जहां पर हमेशा पर्यटकों की भरमार लगी रहती है। दोस्तों कहा जाता है कि इन शहरों में इतनी खूबसूरत और हॉट लड़कियां होती हैं, जिसे देखकर कोई भी मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और यही वजह है कि यहाँ के लोग करोड़ों की कमाई हर रोज कर लेते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको उन 5 शहरों के बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज आप कभी भी मिस ना कर पाए। सबसे पहले आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जाने के लिए हर एक लड़का अपनी पहली पसंद रखता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेक्स वर्कर्स लड़कियाँ इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि यहाँ पर जाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि लड़की होटल का खर्चा खुद ही उठाएगी, और आपको वहाँ पर सिर्फ जाकर कुछ चंद रुपयों में ही वहाँ के लड़कियों को बटाना होगा। बताया जाता है कि सिंगापुर दुनिया का सबसे ज्यादा कॉल गर्ल्स के लिए माना जाता है। बात करें अगर दूसरे शहर की, तो इस शहर का नाम है ब्राजील। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील वैसे तो देखने में काफी खूबसूरत है, वहीं इस शहर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं यहाँ की लड़कियाँ। बताया जाता है कि यहाँ पर पर्यटकों की भरमार लगी रहती है। यहाँ की खूबसूरत लड़कियों का दीवाना पूरी दुनिया है। पर दोस्तों, ब्राजील में एड्स के मामले में दिन प्रतिदिन शिकायतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉल गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूशन खुलेआम होता है, और इसकी वजह से दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग एड्स बीमारी से काफी ज्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ के लोग अब इस काम पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। इसे नंबर पर बात करते हैं इक्वाडोर की। जी हाँ दोस्तों, ये शहर लड़कियों के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। यहाँ पे कॉल गर्ल्स की कोई कमी नहीं है। 4th नंबर पर आता है डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, इस शहर में जाने के लिए हर एक लड़का तरसता है, हर चीज खुलेआम होती है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में आकर अपना रिएक्शन जरूर बताएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।